क्या बात है करिश्मा सिंह, आप तो केस को लेकर बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं है। फिक्र किस बात का मैडम सर, हम तो खुश हैं कि स्टीन के डब्बे से छुटकारा मिल रहा है हमें। अब देखिएगा मैडम से जो चूरनगिरी किया है ना इसने, डीएसपी सर खुद आएंगे इसे खोल खाल करना इसे कत... मैडम सर आपसे कुछ कहना था केस से रिलेटेड, परमिशन है? बिल्कुल है, कहिए। मैडम अगर साड़ी बैन की जा रही है तो अकॉर्डिंग टू माई एनालाइजेशन और भी बहुत सारी चीजें बैन की जानी चाहिए। मतलब और कम रातें फैला चुकी हैं जो और फैलाने आ गई हैं, हाँ? क्या बोलती है मैडम सर, ये देखिए ना। एक मिनट एग्जैक्टली एक्सप्लेन करो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ओके मैडम सर, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने हमारे देश का सुनहरा गौरवपूर्ण इतिहास रचा। झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, और ये वो भगवान हैं जिन्हें लोग देवी मानते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, जिनसे भक्ति और आस्था जैसी मानवीय भावनाएं जुड़ी हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी मैडम अगर साड़ी बैन की जा रही है तो लॉजिकली इन सबको भी बैन करना चाहिए। क्या भगवानों को? यस मैडम। ऐसे कितने क्षेत्र हैं जहाँ चावल की खेती होती है, वो औरतें जो चावल की खेती करती हैं वो साड़ी में ही चावल की खेती करना कंफर्टेबल समझती हैं। ऐसे कितने काम हैं, कितनी जगह हैं, कितने प्रोफेशंस हैं जो साड़ी में ही किए जाते हैं, तो फिर उनको भी बैन होना चाहिए। अगर पब और रेस्टोरेंट्स में साड़ी बैन की जा रही है तो हर जगह बैन की जानी चाहिए। ये मरवाएगी मैडम सर, ये हमको मरवाएगी, हम बता रहे हैं आपको। हाँ बिल्कुल नहीं, ब्रिलियंट मीरा, वेरी गुड, तुमने तो इस केस को एक अलग ही नजरिया दे दिया है। इनफैक्ट तुम्हारी इस इन्फॉर्मेशन से हमें अभी एक बहुत अच्छा आइडिया क्लिक हुआ है इस पूरे केस को जीतने का। पर मैडम साड़ी के बैन का क्या? जिन लोगों ने साड़ी पर बैन लगाया अब वही साड़ी का प्रचार करेंगे। वो कैसे होगा मैडम सर? देख रहे हैं आप, देखिए इन्हें कैसे हमारे पीछे पड़ गए। महिला थाने वाले आज भी यहाँ पे आ गए हमें परेशान करने के लिए। नहीं नहीं एक मिनट, हम यहाँ इनको परेशान करने नहीं आए हैं, हम ये बस प्रूफ करने आए हैं कि साड़ी जो ये आउटफिट है ये दरअसल बेहतर है, ज्यादा कंफर्टेबल है और बहुत ही सेफ है। बहुत जिद्दी है आप, इतनी आसानी से नहीं मानेंगी। अगर आप हमें गलत नहीं प्रूफ कर पाई तो हम आपके साड़ी बैन को सही मान लेंगे और दोबारा इस टॉपिक पर इन्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। मैडम आप अगर हार गई ना तो आपका ये महिला पुलिस थाना हम बंद करवा देंगे। हाँ बंद करवा देंगे। हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है, बताइए क्या करना है। गुड, तो फिर आइए थाने, बताते हैं। करिश्मा सिंह रिलैक्स, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं हमेशा की तरह। शुक्रिया मैडम सर, पर हमें एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि आप हमसे का ये कंपटीशन कराना चाहते हैं। थाने की मान पे बात आई है तो हमें तो कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन ये सारा रायता तो ये टीम के डब्बे ने फैलाया ना मैडम सर। हाँ तो इसी को ही समेटने दीजिए, और इससे अच्छा ये कॉम्पिटिशन कौन कर सकते हैं, तो आसानी से जीत जाएंगे, आसानी से जिता देंगे हमको। करिश्मा सिंह देखिए, जब इंसान दूसरे इंसान से कॉम्पिटिशन करेगा तभी वो फेयर होगा, मशीन और इंसान के बीच में नहीं। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, आप इससे कम है क्या? जीतेंगी तो आप भी,
बिल्कुल मैडम सर, जीत हमारा होगा। ऑल द बेस्ट। शुरू करें? बिल्कुल। जी सर। क्या चल रहा है ये सब? लाइव कवरेज हो रहा है सर, सारा शहर देख रहा है तमाशा। अगर ये हसीना मलिक जीत गई तो जानती है ना क्या होगा? हमारा क्लब ऐसा डिफेम होगा सर कि कोई झांकने भी नहीं आएगा हमारे क्लब में। डोंट वरी सर, ये कंपटीशन हम ही जीतेंगे, देख लीजिएगा। हे शिव जी, ये मटकी तो बहुत ऊंचाई पर है, मदद कीजिए इनकी। Thank you.
करिए, पीछे पीछे जाइए आप। आइए आराम से, आराम से, आराम से। अब ठीक है? I'm sorry, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पता ही नहीं चला कि अपनी जॉब को बचाने के लिए कब मैं इतनी इनसेंसिटिव हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस साड़ी को मैं बैन कर रही हूँ वही साड़ी एक दिन मुझे इस पब्लिक एम्बैरेसमेंट से बचाएगी। मिसेस मलखानी, यही तो कमाल है इस साड़ी का। ये औरत के मान को बढ़ाती भी है और उसके सम्मान की रक्षा भी करती है। माँ का आंचल हो या फिर बड़ी बहन का स्नेह, पत्नी का करवा चौथ हो या फिर भाभी की ममता, औरत के हर रूप को इस साड़ी ने ही बहुत बड़ा बनाया है। चाहे फिर वो लक्ष्मी माँ हो, माँ दुर्गा हो, औरत को इसी रूप में पूजा जाता है, माना जाता है। इनफैक्ट पूरी दुनिया ने हमारे इस कल्चर को, इस पहनावे को इतने अच्छे से अपनाया है, इतना प्यार दिया है। लेकिन कभी कभी अपने ही देशवासियों को इसके इम्पोर्टेंस समझाने के लिए थोड़ा सा कूदना फांदना पड़ता है। और ये सिर्फ साड़ी नहीं है, भारतीय नारी का गौरव है। और गौरव को बैन नहीं किया जाता है, उस पे गर्व किया जाता है। समझ रहे हो बात को? हार गई ना तू, अब देख ले कहीं और नौकरी। तुम क्या मुझे नौकरी से निकालोगे? मैं खुद तुम्हारी नौकरी छोड़ती हूँ। फाड़ में गए तुम और तुम्हारी नौकरी। मैं खुद भी एक ऐसी जगह पे काम नहीं करना चाहती जहाँ पे इंसानों की और भारतीय संस्कृति की कोई इज्जत नहीं है। इससे तो अच्छा ये होगा कि मैं घर पे बैठ के पौधे लगाऊं, कम से कम देश के तो काम आएंगे ना। गो टू हेल। थैंक यू सो मच गाइज, मुझे ये एहसास दिलाने के लिए कि मैं कितनी गलत थी। साड़ी बैन करने का डिसीजन वाज टोटली रॉन्ग। और आज से हर पब की रूल लिस्ट से साड़ी नॉट अलाउड का रूल हमेशा के लिए निकल जाना चाहिए। बिल्कुल सही सुना था आपके थाने की जादुई छड़ी के बारे में। ये छड़ी भी है और जादू भी करती है। साड़ी सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं, औरत के लिए उसका स्वाभिमान, गौरव और आत्मसम्मान है। डीपली कनेक्टेड विथ ह्यूमन इमोशन। और साड़ी बहुत खूबसूरत भी है, और आप भी। थैंक यू मैडम सर, फर्स्ट लेसन लर्नड, फीडिंग इट। यू आर अ ब्रिलियंट पर्सन। बहुत बढ़िया, देर से ही सही, पर तुम्हें साड़ी का महत्व समझ में तो आया मीरा। और उम्मीद करते हैं तुम्हें यह भी समझ आ गया होगा कि केस कैसे सॉल्व किया जाता है। हाँ, यस यस मैडम सर, आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके लिए ये तो बनता है। मैडम जी बचा लीजिए मुझे, बचा लीजिए प्लीज। एक मिनट भैया, कौन है आप हा? और कैसे ऐसा मजदूर जैसा हालत बना के सीधा आप मैडम जी कर रहे हैं, जाइए आप। अरे मैं मजदूर नहीं हूँ भाई साहब। तो प्लम्बर है, मेरा नल ठीक करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो ना ही मजदूर है ना ही प्लम्बर है, तो क्या करने आए हैं आप? जाइए आप, जाइए। अरे भाई साहब, जो आदमी, मैडम जी, जो आदमी अपने ही घर के आंगन में दो दिन से गड्ढा खोद रहा है उसका तो यही हाल होगा ना। एक मिनट, आप अपने घर के आंगन में गड्ढा खोद ही क्यों रहे हैं? उसने बोला ना। किसने? मेरी बीवी ने। गड्ढा खोदने के लिए? हाँ जी, गड्ढा खोदने को। आपने पूछा भी नहीं? मैडम जी कमाल कर रही हैं आप, अपनी पत्नी से कोई कैसे सवाल पूछ सकता है? गजब गजब चाचा, आप तो हमको इम्प्रेस कर रहे हैं चाचा। आपको पता है हमको भी सेम टू सेम ऐसा ही आदर्श पति बनना है, एकदम जोरू का गुलाम टाइप वाला, जो बर्तन धोए, खाना बनाए, शॉपिंग। आप बताइए, आप यहाँ क्यों आए, हमसे क्या मदद चाहिए? रिपोर्ट लिखवानी है मैडम जी। बीवी के खिलाफ?
जी बिल्कुल उसी के खिलाफ। बे चचा गजब करते हैं आप है? ना मतलब जिस इंसान से सवाल तक करने का हिम्मत नहीं है उसी इंसान के खिलाफ यहाँ पर थाना में रिपोर्ट लिखवाने आया आप। बताइए मतलब अपना कैरेक्टर मत छोड़िए ना चचा, अपने कैरेक्टर में रहिए, हमारा आत्मविश्वास हिला दिए आप, हम तो आदर्श मान रहे थे आपको। शादी हो चुकी है आपकी? बस हाँ का देर है। मत कीजिए भाई साहब, मत कीजिए, दर्द है। और पति में क्या दर्द है इस पति को पूछिए। अब मैं पति हूं ना, अपनी पत्नी से सवाल नहीं पूछ सकता मैडम जी। लेकिन आप लोग तो पुलिस है, आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग समझा सकते हैं, जरूरत पड़े तो मार भी सकते हैं, थोड़ा मारिए उसे। क्या? नहीं मैडम जी, मैं कह रहा था आप समझाइए उसे, आप बताइए उसे तो मेरे से ऐसा गड्ढा ना खुदवाए। दो दिन से गड्ढा खोद खोद के मेरा कमर का कचूमर निकल चुका है मैडम जी। ठीक है आप शांत हो जाइए, हम कुछ करते हैं, हम आपकी बीवी से बात करेंगे, ठीक है? हाँ प्लीज प्लीज मदद कीजिए मेरी। बिल्लू चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। किस यंत्र के साथ षड्यंत्र हुआ है मैडम सर? चुप बिल्लू चुप। नहीं नहीं नहीं, ये भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है? मेरी किस्मत की कढ़ाई में बदकिस्मती के पकौड़े क्यों तले जाते? बिल्लू बस बहुत हो गया। मैडम सर पहली बार किसी ने मुझे इतनी इज्जत दी है, इतना मान सम्मान दिया है। पहली बार चोर से मोर बना हूं मैं, मेरा दी की वजह से। अमाओ गुलजार साहब की किताब में लगी घटिया तुकबंदी का फफुंदी, अपना नौटंकी बंद करते हो या फिर दिखाए तारे जमीन पर? अमा गई तुम्हारी मीरा भाड़ में, समझ रहे हो? नहीं आएगी अब वो वापस, वो चली गई है। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह से बिना इन्फॉर्म किए मीरा जा कैसे सकती है, ये तो उसके प्रोग्राम में है ही नहीं। सीसीटीवी फुटेज फिर से दिखाओ संतोष। मैडम सर ऑलरेडी आप कितनी बार दे, ये देखिए मैडम सर, देखा मैडम सर, देखा कैसे बेंड होकर जा रही है, ये देखिए। दिख रहा है हमें संतोष शर्मा, हम भी वही फुटेज देख रहे हैं, लेकिन वो इस तरह से इतने अजीब तरीके से अगर गई भी तो गई कहाँ? काम की बोझ की मारी हमारी प्यारी मीरा जी बेचारी, पूरे थाने की जिम्मेदारी उस नदी सिंजान पे, उसके टांगों ने जवाब दिया होगा, चली गई बेचारी। काम के बोझ की वजह से नहीं बिल्लू जी, बैटरी ओवरलोड की वजह से वो बेंड हो गई होगी, वो इतनी सारी चीजें डाउनलोड करती रहती है ना अपने सिस्टम में, इस वजह से। ना, 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 मीरा जी। अमा पहले से डिफेक्टिव पीस था, चला गया, जितना चलना था उसने चल लिया है, हो गया होगा कोई शॉर्ट सर्किट हो गया होगा उसके अंदर, अच्छा हुआ ना चला गया, जान छूट गया ना हम सबका, इसमें इतना माथा पच्ची करने का क्या जरूरत है, हमको समझ में नहीं आ रहा। और वैसे भी मैडम सर ये हम सबका फॉल्ट नहीं है, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से जो है वो खराब हो गई और चली गई और गायब हो गई, तो इसमें हम सबका कोई गलती नहीं है। देखिए क्या है ना करिश्मा सिंह, आप चाहे माने या ना माने लेकिन डिपार्टमेंट ने उसे हमारी जिम्मेदारी पर भेजा है जिसे हम अच्छे से निभाना चाहते हैं, इसलिए हमें थोड़ी सी फिक्र हो रही है, वो भी इसलिए क्योंकि चाहे कोई भी हालात हो मीरा का GPS कभी भी ऑफ नहीं होता और उसका GPS अब ऑफ आ रहा है, और इसलिए हमें लगता है कि मीरा यहाँ से अपनी मर्जी से नहीं गई है बल्कि उसे गायब किया गया है। यंत्र पे षड्यंत्र हुआ है मैडम सर। चुप ना, फिनाइल मत पी लेना। क्या हुआ मैडम सर, आप हमारी तरफ ऐसे काहे देख रही हैं? आपको हम पर शक है कि हमने उस टीम के डब्बे को गायब कर दिया? ए मैडम सर, हम ऐसा काहे करेंगे, आपने सीसीटीवी फुटेज देखा तो है, आपको हम दिखाई दिए कहीं उस फुटेज में आप हमें देख रही हैं? नहीं ना, क्योंकि हम राउंड पे गए थे मैडम सर, और जब हम राउंड से वापस आए थे ना उससे पहले वो गायब हो चुकी थी। मैडम सर ये मत भूलेगा आप कि वो सिर्फ आपके ऑर्डर फॉलो करती है, आपकी आवाज़ सुन के ही वो सारे काम करती है, तो फिर कैसे कोई और उसको गायब कर सकता है यहाँ से या उसको फाड़ ले जा सकता है? तो ठीक है फिर एक काम करते हैं, मीरा को ढूंढने की जिम्मेदारी हम आपको देते हैं। जी मैम। और हमें पूरा यकीन है करिश्मा सिंह कि ये जिम्मेदारी आप पूरी शिद्दत के साथ निभाएंगे। जी मैडम सर, पूरे शिद्दत से निभाएंगे, ढूंढ निकालेंगे ASI मीरा को। गुड, ऑल द बेस्ट।